दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप कोई भी फोटो या वीडियो का लिंक को आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेना है और जिस भी फ़ोटो या वीडियो का लिंक जनरेट करना चाहते हैं उसे आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहां से एक फ़ोटो को आपको यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और इस फ़ोटो का लिंक आपको जनरेट करके दिखाता हूं कि कैसे आप इस फ़ोटो का लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको नीचे यहाँ पे एक सेंड का ऑप्शन है, इस सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखना है गूगल ड्राइव का ऑप्शन, जहाँ भी दिखेगा आपको उस पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, मेरा यहाँ जो है ड्राइव का ऑप्शन है, आपको इस ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसका जो भी नाम देना है आप इसका नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3। इस तरह से मैंने इसका नाम दे दिया और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स, जब आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद मैं यहाँ से होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक नोटिफिकेशन देगा, देखिए अपलोडेड अप 1 फाइल, तो आपको इस पर यहाँ से क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, आपको यहाँ से अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा जो भी आपका फाइल आपने डाउनलोड किया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग कर रहा है तो ये अपलोड हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इसे नीचे और भी देख लेता हूँ सर्च करके, या यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ 1 2 3 लिख के। तो देखिए 1 2 3 लिख के जो यहाँ पे है JPG आ चुका है। अगर आप यहाँ सर्च करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर का जो यहाँ पे फाइल है आप इसको यहाँ पे भी क्लिक करके इसका यहाँ पे लोकेट फाइल का ऑप्शन है। देखिए, जब आप इस तरह से नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा तो साइड में यहाँ पे एक ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तब भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो देखिए, ये जो फाइल है यहाँ पे ये आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक, तो आपको इस यहाँ से कॉपी लिंक का ऑप्शन है। आप यहाँ शेयर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी लिंक का ऑप्शन कर लेता हूँ और आपको लिंक सेंड करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन कर लिया और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो है लिंक मेरा जनरेट हो चुका है और मैं इसको यहाँ से शेयर कर देता हूँ। और अब देखता हूँ इस लिंक पे क्लिक करके वो फ़ोटो ओपन होता है या नहीं होता है। तो देखिए, मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए, ये फ़ोटो जो है एकदम से ओपन हो चुका है। तो लिंक इसी तरह से काम करता है और इसी तरह से कोई भी फ़ोटो या वीडियो का लिंक आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।